वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस म्यूज़िकल गिटार के बारे में बताने जा रही हूँ। बेसिकली फ्रेंड्स, म्यूज़िकल टॉयज़ होते हैं ना, वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें जो म्यूज़िक होता है ना, साउंड जो होता है, वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। छोटे बच्चे, खासकर थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तो भी इस तरीके के टॉय बच्चों में काफ़ी पॉपुलर होते हैं। 3 से 7-8 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा टॉय है, कहीं से हार्मफुल नहीं है बच्चों के लिए। इससे बच्चों को कोई चोट लगने का डर नहीं है। इसके एजेस कहीं से शार्प नहीं है, हर तरफ से जो एजेस हैं बहुत ही स्मूथ हैं। कैरी करने में इजी है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है। क्वालिटी बहुत हल्की नहीं है, अच्छी क्वालिटी का है, मजबूत है। साथ ही साथ इसमें कई चीज़ें, कई फंक्शंस हैं। म्यूज़िक के साथ साथ इसमें लाइटिंग भी है, और जो म्यूज़िक ये प्ले करता है वो भी बहुत ही सूदिंग है। ऐसा नहीं है कानों को लगने वाला नहीं, हार्श नहीं है। तो कुल मिला के कहें तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी का गिटार है ये। तो मैं बताती हूँ आपको कि इसे यूज़ कैसे करना है और ये किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले तो इसके आपको इसके बैक साइड पर ये इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। इसके अंदर आपको 3 AA साइज़ की बैटरीज यूज़ करनी है। मैं आपको उसको ओपन करके दिखा देती हूँ। देखिए, इसमें मैंने ये 3 AA साइज़ की बैटरीज यूज़ की है। आपको इसमें, जब भी आप इसे परचेज़ करें, तो सबसे पहले आपको इसमें बैटरीज डालनी पड़ेंगी, उसके बाद आप इसको क्लोज़ कीजिए। इसके साथ एक छोटा सा स्क्रू होता है, आपको ये भी इसको सेट कर दीजिए, नहीं तो ये जो इसका रेड कलर का जो ढक्कन है वो खुल सकता है। अच्छे से स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसे क्लोज कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, देखिए इसमें रेड कलर का जो बटन है, ये इसके ऑन ऑफ करने का बटन है। इसमें ये 2 मोड पे चलता है। सबसे पहले मैं इसको आपको फर्स्ट मोड पे चलाती हूँ। ये इसका फर्स्ट मोड है। फर्स्ट मोड पे ये कम साउंड प्रोड्यूस करता है, इसका साउंड है जो कम है। देखिए, हर एक बटन पे डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, और सुनने में भी आपको लग रहा है साउंड बहुत ही सूदिंग है, कानों को हर्ट नहीं कर रहा है, कानों में ऐसा नहीं लग रहा है कि शोर मच रहा है। साथ ही साथ इसमें ये एक रोटेटर भी है, ये भी हमारे साउंड के साथ ही डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। येलो कलर का ये रोटेटर है। यहाँ पे साथ में ये ग्रीन कलर का छोटा बटन और है, जिसे प्रेस करने से साउंड्स चेंज होते हैं, डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं। सेम यही फंक्शन इस तरीके का यहाँ रेड बटन है, इसको भी मूव करने से डिफरेंट साउंड चेंज होते हैं, म्यूज़िक चेंज होता है। अभी हम ये सब वन मोड पे, फर्स्ट मोड पे चल रहा है। अब मैं आपको इस सेकंड मोड पे से शिफ्ट करती हूँ। जब मैंने सेकंड मोड किया तो इसका साउंड थोड़ा सा चेंज हो गया, साउंड थोड़ा सा लाउड हो गया है, और बाकी फंक्शंस वैसे ही रहे। जैसे हमने ये पर्पल बटन दबा के दे दिया तो अपना म्यूज़िक चलता रहेगा, थोड़ी देर प्ले होता रहेगा। उसके बाद मैंने ये ब्लू बटन ऑन किया तो म्यूज़िक चेंज हो गया, फिर मैंने ग्रीन बटन ऑन किया, इस तरह से म्यूज़िक, इस तरीके से डिफरेंट म्यूज़िक प्ले कर रहा है। इसमें खास बात ये है, यहाँ पे एक स्पिनर है ग्रीन कलर का, ये भी जिसमें ये व्हील है जो ये रोटेट करता है, ये भी बच्चों को बहुत फैसिनेट करता है। तो इसमें कुल मिला के ये कहा जाए कि एक बहुत ही अच्छा टॉय है बच्चे को गिफ्ट करने के लिए, यानी किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी है उसमें गिफ्ट करने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, और अपने बच्चे के लिए ख़रीदने के लिए भी अच्छी चीज़ है। बच्चा इस तरीके के टॉयज़ को बहुत पसंद भी करता है, उनके साथ खेल के बहुत इन्जॉय भी करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस टॉय के बारे में अगर आप कुछ भी और जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इसको बाय करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन, वो लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके इसे बाय कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।